यूपी में सपा और बसपा का महापरिवर्तन। सा और थी मिलकर बने साथी। अखिलेश माया के इतिहास चक्र से हैंडपंप गायब। सपा और बसपा के गठबंधन का लोगो जारी हो गया है। ये साइकिल और हाथी से मिलकर दोनों पार्टियों के चुनाव चिन्ह से मिलाकर बनाया गया है। सा का अर्थ साइकिल और थी का अर्थ बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी से है। लोगो लाल और नीले रंग से बना हुआ है, जिसमें साइकिल का पहिया लाल और हाथी की सूंड नीले रंग की बनाई गई है। इस लोगो को जारी करते हुए अखिलेश यादव ने इसकी रचनात्मकता की तारीफ की है और इसे बनाने वाली टीम को बधाई दी है। ट्वीट में लिखा है, मैं इस लोगो को बनाने वाले की सोच पर आश्चर्यचकित हूँ। अखिलेश यादव ने इस लोगो को ट्वीट किया। उन्होंने लोगो के साथ ही लिखा है कि ये वक्त महापरिवर्तन का है। यूपी में सपा और बसपा अपनी 23 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए एक साथ आए हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियों का चुनावी लोगो साइकिल के पहिए और हाथी की सूंड को मिलाकर बनाया गया है। यानी सपा और बसपा यूपी की सियासत में 2019 के संग्राम में बीजेपी से मुकाबला एक साथ मिलकर साथी बनकर करेंगे और जनता के बीच महागठबंधन के साथ एक संदेश महापरिवर्तन लेकर जाएंगे। लेकिन इस संदेश में कहीं न कहीं एक पार्टी एक साझेदार की अनदेखी भी की गई है। उसकी सियासत भुला दी गई है, उसे कम तर आका गया है। समझने वाले तो यही समझेंगे कि जिस गठबंधन को आगे बढ़ाकर महागठबंधन बनाया, आरएलडी को शामिल कर जाटलैंड में बीजेपी के दांत खट्टे करेंगे, किसानों के बीच उन्हें ले जाकर वोट मांगेंगे, उसी आरएलडी के हैंडपंप को साथ के लोगों से गायब कर दिया गया। तो क्या साथी की टैग लाइन जो महागठबंधन से महापरिवर्तन रखी गई है वो सिर्फ दोनों ही पार्टियां मिलकर लाएंगी? आरएलडी को सिर्फ दिखाने के लिए साथी ने साथ लिया है या ये सिर्फ खाना पूर्ति भर है? सवाल कई है। अखिलेश और मायावती भले माने या न माने, लेकिन अच्छा होता कि उन्हें महागठबंधन से महापरिवर्तन के लोगों में आरएलडी को भी शामिल करना चाहिए था, ताकि जनता के बीच एकजुटता का संदेश जाता, सम्मान का संदेश जाता और एक पार्टी एक मकसद का संदेश जाता।